उस मस्जिद की हिफाजत के लिए फिलिस्तीन के मुसलमान अपनी जान पर खेलने के लिए तैयार है, अपने बच्चों के खून तक भी बहाने के लिए तैयार है, अपनी गर्दनों को कटाने के लिए भी तैयार है। बस वही पसे मंजर हमारी जिंदगी में डालकर देखें तो आज के मुसलमान फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ तो कर रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम से पूछो, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अद्दुआ मुखुल इबादा, दुआ इबादत का मगज है, इबादत पहले करो बाद में दुआ करो। यहां पर मुसलमानों का हाल देखा गया, जोहर की नमाज में अपने कामों में लगे हुए हैं, असर की नमाज में अपने कामों में लगे हुए हैं, मगरिब की नमाज इक्का दुक्का पढ़ते हैं, फज्र की नमाज तो सुबह में काम करने से पहले नमाज पढ़ने के लिए आ जाते हैं, कुछ लोग आते, सब मुसलमान नहीं आते। उन्हें तो अपने मस्जिद को बचाना आ गया, वक्त पड़ने पर अपने घरों को उजाड़ कर भी डटे रहे, लड़ते रहे, खड़े हैं। मगर तुमने क्या किया, अपने बगल में अपने मोहल्ले में रहने वाली मस्जिद को वीरान किया, जुमा की नमाज को जाने वाला फिर जुमा को जाता है। किस मुंह से हम अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करें कि अल्लाह फिलिस्तीन के मुसलमानों को, अल्लाह पूछेगा तुझे क्या हक है दुआ करने का, मेरे नबी से नहीं सुना? इबादत का मगज, इबादत करो तो उसका मगज क्या है, तो दुआ।